सारा हमारा मंडल के प्रेसिडेंट मंडल के नेतागण और प्रदेश का क्षेत्र से भी हमारा युवा नेता लोग हमारे साथ है। यह हमारा दौरा जो है 13वां ईटानगर में कल शाम को जो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक नेचुरल कैलामिटीज हुआ जिसको हम थंडर स्ट्रॉम का नाम से जाना जाता है। कल 5 से 6 बजे के बीच में इट्स एन हिस्ट्रिक इन ईटानगर। नॉर्मली होता है थंडर स्ट्रॉम लेकिन कल का जो है सबसे ही बड़ा हिस्ट्रिक और भयानक रहा। पिछला 30-40 साल में इसे थंडर स्ट्रॉम ईटानगर वाला वासी देखा नहीं है। तो मैं आपका माध्यम से ये बात बता दूँ कि इतना सारा तोड़फाड़ हुआ है खास करके गरीब का घर में। हमारा जितना गरीब आदमी है यहाँ 80% आदमी गरीब है। उन लोगों का आशियाना सारा टूट गया। आप पीछे देख सकता है ये हमारा एक पुजारी का घर है, इसका विक्टिम यहाँ मेरे सामने खड़ा है और सारा कपड़ा डैमेज हो गया, घर सारा टूट गया। नाहरलगन से ईटानगर में लगभग 2-3 हज़ार का घर का नुकसान हुआ है। उस नुकसान का भरपाई के लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को आपका माध्यम से मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ। उसका जो कार्यकर्ता है जो ऑफिशियल उसका पावर है डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को डीसी कैपिटल को और सारा जो सोशल लीडर्स को एनजीओस को मैं सारा गरीब जनता का ओर से मैं अपील करता हूं कि आप सब इस दुख के घड़ी में हमारा जनता को साथ दे, गरीबों को और जिसका घर उजाड़ गया उस सारा अपना रिलेटिव को बंधु को बुला के घर बना रहा है। ये अगर घर बन भी जाने से जो रिपोर्टिंग लेने आता है वो सारा विक्टिम्स को अच्छा से माने विस्तार से इन डिटेल अच्छा से खबर लेके सारा विक्टिम को जैसे भी आप रिलीफ दे दीजिए। हम लोग का ये दौरा सब अपना पॉकेट से मदद लेके इमीडिएट रिलीफ जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लड़का लोग कर रहा है और ये मेरा साथ जो बागदौर में शामिल हुआ उन सबको भी मैं आभारी प्रकट करता हूँ और मीडिया लोगों को मैं नमस्कार करके आभारी प्रकट करता हूँ कि आपका माध्यम से जरूर आप ये संदेशा पहुँचा दीजिए कि ये दुर्घटनाग्रस्त में गरीबों को ये समस्या हो रहा है, सरकार आए और उसका साथ दे। इसके इस चंद शब्दों के साथ मैं यह समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच। को जीवित किया है गवर्नमेंट के बाद हमको मदद करना है ना, ये तभी आपके ना ये मदद करता है आप गवर्नमेंट का दिक्कत तो मदद करने से अच्छा होगा ना। नो पुजारी का बीच में आज ही एक मतलब अचानक से हवा आती है पूरा घर मेरा घर को डैमेज कर दिया और मेरा घर का पूरा चीला अंदर पूरा एक कपड़ा भी बसने नहीं दिया। पूरा बारिश रूम तो पूरा पुखरी जैसे हो गया तो रात भर सोने नहीं सका और साथ में मेरा जितना यह मैं जो सामान रखा है सीमेंट वीमेंट पूरा ख़त्म हो गया।